Dramas, I'm gonna take a little gap. I'm not a very likable person. पाकिजा वाकई खराब हो गई है। पाकिजा आप तो बहुत ही बोल्ड हो गई भाई। I want to give time कभी। अच्छा ठीक है। Subscribe to Outstyle. Yeah. मुझे इतनी खुशी है कि इतने इम्पोर्टेंट इवेंट पे फैसल मेरे साथ हैं, मेरी लाइफ में और मेरे साथ। कबीले की जबान है, उसका नाम है योकुपोकु। सारी ट्रांसलेटर की ड्यूटी दे रही है लीजे। हाँ, यू नीड टू वेयर समथिंग। वहाँ से आप ये क्या है? नेल बुटीक। नेल बुटीक। हाँ क्या? गुंडूपुर नेल बुटीक। जाना नेल बुटीक। कैन कैन रिमूव योर कैप? हाँ जी, तो हमने सिम कार्ड लेना है, हमने एक्सटेंशन लेनी है, अजान ने अपनी शर्ट लेनी है, क्या मुझे अपने लिए हेयर कट करना है, क्या को इसकी वजह से कास्ट की वजह से पजामे तीन हमने फाड़ के बनाए हैं, क्या को दिखे क्या ये बच्चा कैन यू सुपरमैन सुपरमैन I want to drink boza. What's boza? Fish and chips. 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 Fish अलीजे हील ना हो चलने वाले हो लेकिन लंबी हो। अब पॉम बॉकेट। हां अब पॉम बॉकेट। क्या आपको क्या चाहिए? टॉयज। व्हाट काइंड ऑफ टॉयज यू वांट? व्हिच वन? कैंडा। इतने मेरा हाथ कैंडा कैंडा सीनो कैंडा। हां ये देखिए मास्क पहने यार, मतलब मेरा हाथ से खेलता रहता है। कैंडा रियल यू नॉट ऑफ इट जी। अजान आप रह गए हो, आ गया ये? नहीं नहीं अजान थोड़े से पीछे हो। अब मैं वाकई लग रही हूँ एक स्टार। एंड वी आर इन टर्की इस्तांबुल। और हमारी सबसे पहली जो डेस्टिनेशन है क्या हुआ? कहाँ डॉगी? हमारी सबसे पहले डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ है? क्या ये मेकअप शॉप है? क्या ये आइसक्रीम शॉप है? क्या ये कोई रेस्टोरेंट है? क्या ये कपड़ों की दुकान है? जी नहीं, ये है स्टारबक्स। लाइन तो बेटा होगी तो और क्या होगा, हमारे लिए खड़े हैं। क्या आइए आइए। पम्पकिन स्पाइस अलीजे की फेवरेट कॉफी। पम्पकिन स्पाइस नहीं है, कैपेचिनो पी रहे हैं। तो तकरीबन 1300 रुपए की हमारी दो आई हैं मीडियम कैपेचिनो, एक लेमन केक और एक फ्रैपेचिनो अजान का।
ये है ड्राई फ्रूट नहीं ये है बॉक्स है पार्डन वॉलनट बिल्ली नंबर वन फैसल ये रियल है कि झूठी है पहले पता है आई रियल है मानो ये रियल है ये क्यूट मनो है कितना खूबसूरत है स्ट्रीट बहुत प्यारी और ये रात को और भी हसीन लगती है हाँ जी यहाँ इस्तांबुल में लार्ज कोला वाकई लार्ज है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं क्यों अभी जैसे क्या प्रोग्राम मुझे बार बार उठाना पड़ता है यहाँ पे वो ट्रेडिशन नहीं है ना जो रैंप सारा तो हर कोई हमेशा हेल्प करता है अभी ज्ञान का आंटी एक आंटी खेली हुई है ज्ञान के साथ और ज्ञान बड़ा पॉपुलर हो रहा है कितना अपनी टोपी फेंकी तो समझी पिक्चर अच्छा कहीं भी बच्चे नजर नहीं आ रहे मैं नोट कर रही हूँ कहीं यहाँ बच्चे बहुत कम बच्चे हैं यहाँ ज्ञान जो है दीवाना हो गया टर्किश डिलाइट का कुछ नहीं और खा रहा बच्चा तब टोपी बिना सर्दी हो रही है आपको मैं एक ऐसा शवरमा दिखाऊंगी कि जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा ख्वाबो ख्यालों में इस शवरमा का नाम है चाव चाव पीरा डोनर जो कि बहुत ही अनोखा है वीडियो देखते रहे आपको दिखाती हूँ मैं अभी जी हाँ अजीबो गरीब दुनिया का सबसे बड़ा शवरमा मैं चाहूंगी कि आप मेरी उसकी भी वीडियो बनाए मुझे यकीन नहीं आ रहा ये चेक करें कि क्या ये देखें ये देखिए इतना बड़ा ये देखिए ओए होए 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 अच्छा इसके अंदर ना देखिए मजे का मीट उतर रहा है हार्ड नहीं है वो ये मीट हार्ड नहीं है बहुत जूसी लग रहा है यहाँ से पजामा लेना है क्या का यार डस्टबिन नहीं है यहाँ आपने नोट किया और अलीजे को पम्पकिन स्पाइस मिल गई मैंने तो होप्स गिव अप कर दिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कहीं और है कि फिर ख़त्म हो गई तो इसका ये है दिखा दो ये उसका मैसेज ये है कि हार नहीं मानी कोशिश करती है ये देखिए कॉफ़ी मिल गई मुबारक हो बेटा पहले मामा पीती है कैसी है आई डोंट नो इफ यू लाइक इट बट आई मस्ती करते हैं चल वेरी नाइस चलें वेरी नाइस पैसा मिल गई इसकी कॉफी नोट कर लो ओके वेरी गुड ओके एक बार अब ये सुने जरा ये क्या बैठे
सुने उठ क्यों गए कलमा पढ़ रहा है कलमा मैं और रजान आए हुए हैं ब्लू मॉस्क अब मसला ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बिल्कुल बस हमारा एक्सेस यही है जाकर मैं दिखा रही हूँ और कुछ भी नहीं है मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हमें नज़र सिर्फ यही आ रहा है और फिर यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो लिखा हुआ ना कि विजिटर्स स्टे बिहाइंड दिस लाइन तो यहाँ पे आपको नमाज़ पढ़ने का एक्सेस है पर आई थिंक हमें शायद अनफॉर्चुनेटली वो फुल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर वो ये क्या है क्योंकि यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कि आपको कपड़े तो मैं फुल थोड़ा सा देखती हूँ कितना एक्सेस है हमारा क्या क्या देख सकते हैं तो बस ऐसे ही है आगे जाके तो अंदर जाके ऐसा है मैं एक और दफ़ा ऊपर यहाँ इस एंगल से दिखा देती हूँ तो आई थिंक बस यही मसला है थोड़ा बहुत एज ऑलवेज मेकअप से पहले स्किन को प्रेप करूंगी शार्लेट टिलबरी की मैजिक क्रीम के साथ उसको मिक्स करके अच्छी तरह फेस पे 10 मिनट्स मसाज जॉ लाइन पे फोरहेड पे अंडर द आई एरिया सो दैट आई ग्लो खास तौर पे लिप्स पे विच आर वेरी ड्राई इन विंटर्स शार्लेट टिलबरी का ये एक कलर करेक्टर कंसीलर है जो कि शेड 10 में है न्यूट्रल इसको मैं कंसीलर के नीचे अप्लाई करती हूँ तो एनी डार्क सर्कल जस्ट डिसअपीयर टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे में मेरा फेवरेट शेड है लाइट बेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेस ग्लो करे आई एम यूजिंग मोर ऑफ माई फिंगर्स देन ब्रशेज दिस टाइम माई नेक नेवर फॉरगेट द नेक ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा गीला करके उसके साथ मैं ब्लेंड करूंगी बेस को अच्छी तरह बॉर्न दिस वे का कंसीलर नेचुरल बेज मैं यूज कर रही हूँ अंडर द आई बहुत केयरफुली इनर जो पार्ट है आई का उसके पास जरूर कंसीलर लगाना है नोज के ऊपर थोड़ा फोरहेड पे थोड़ा सा लिप्स के ऊपर दैट्स इट एंड नाउ ब्लेंड इट विद अ नाइस ब्रश छोटा ब्रश है ताकि फाइन ब्लेंडिंग करूं एंड नाउ डैप 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 एंड नाउ यूजिंग हुदाज पाउडर सेटिंग पाउडर इन शेड बनाना फ्रेश लुक की आई प्रिफर डेली वेयर डिस्पोजेबल लेंसेज इन प्योर हेजल लवली शेड मैक का सिल्वर शेड बहुत शाइनी है ना मुझे याद नहीं दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल ओवर द लिड फॉर ड्रामेटिक शाइन ऑल्सो अ लिटिल अंडर द आई एंड नाउ लुक एट मी वाओ दिस इज मॉडल्स ओन शेड अगेन अ वेरी ड्रामेटिक ब्लिंगी डिस्को सिल्वर मेटालिक सिल्वर पहले अली रहमान है साथ पूरे सेगमेंट में फिर बाद में मेरा सेगमेंट है काफी लंबा वो मैं अकेले करूं दो सेगमेंट हां जी आप कोई भी मेटालिक शेड लगा सकते हैं जिसमें काफी शाइन हो और फॉल आउट ना हो और अवार्ड्स के लिए मेकअप होना चाहिए जरा ब्राइट नजर आए दूर से उफो आउटस्टाइल की नादिया खान गॉर्जियस अमेजिंग हम धन्य बबल वैसे मैं नाश्ते पे गई हूँ तो
ब्रेकफास्ट में मीरा किसी टर्किश खातून को कह रही थी कि ना सिट विद यू, वो ऐसे देख रही और मैं हाथ पकड़ के मीरा को लेगी, मैं कहा चलो नाश्ता करते हैं साथ, उसको क्यों तुम कह रही हो ना, इतने आर्टिस्ट बैठे हैं, इतनी तुम्हारी कम्युनिटी बैठी हुई है, तो अब इस टर्किश औरत के साथ क्यों नाश्ता करना चाह रही हो। और वो इतनी हमन्नक, मतलब अलग सी खातून थी, कोई मतलब पता नहीं, मीरा ने कहा मैंने इसी के साथ बैठ के नाश्ता करना है, और फिर कहती है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने टिका के खाया, मीरा ने सिर्फ वाटरमेलन खाया, कुछ भी। फैसल मिले हैं, फैसल ने आज फर्स्ट टाइम मीरा से मिले हैं, गपशप लगाई है, मैं फैसल से पूछूंगी, मुझे तो मीरा बहुत प्यारी लगती है, फैसल को कैसी लगी वो भी हम आपको बताएंगे। उसका मैंने यूट्यूब चैनल उसको खोल के देना है, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट वन एंड आई विल हेल्प हर ऑफकोर्स। आईपा वॉर्ड्स पे यहाँ आए हुए हैं तो बच्चे भी साथ हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। फैसल इज सो स्वीट कि वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, क्या उनको देख रहे हैं, बच्चे ज़रा निकल गए हैं बाहर, और फैसल ने बस मेरा बहुत साथ दिया। मैंने उनको पता है कि मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कपड़े भी खुद इसलिए करने हैं, सामान भी पैक करना है, रिहर्सल भी कर रही हूँ, तो फैसल ने मेरे ड्रेसेस जो हैं माशाल्लाह रेडी किए, मैं आपको दिखाती हूँ। सो स्वीट, इसमें कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं होती कि जी हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, हस्बैंड जो है वही रियलाइजेस कि मेरा काम है, अब उनका काम होगा, मैं भी आउट ऑफ द वे जाके सब हेल्प करूँगी। तो फैसल आपने क्या किया, मेरे कपड़े आपने आयरन करवा कर दिए, थैंक यू सो मच, करवाए नहीं खुद किए, आई लव यू फॉर दिस। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। आपने तो ऐसे बोला, और फैसल ने क्यान को सुलाया भी है, क्यान सो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप बैग निकाल दिया आपने जिसमें मैंने चीज़ें लेके जानी है, बेबी को सुला दिया, बेबी को दवाई पिला दी, थैंक यू सो मच। यू डोंट हैव टू थैंक मी, मेरा काम है, पार्टनर्स हैं, साथ मिलके साथ चलना होता है हर चीज़ के अंदर। अगर आप बिजी हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं बिजी हूँ तो आप मेरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर बच्चे बैठ के ड्यूटीज देंगे, मैं तो टर्की आ चुका हूँ, मुझे तो इतना कोई नहीं था, मैं चाह रहा था कि अलीज़ अज़ान दोनों घूम लें, तो इसलिए मैंने उनको जबरदस्ती भेजा, हालांकि अलीज़ नहीं जा रही थी, जाओ बेटा जब जीरो अपनी जिंदगी। और मैं जो हूँ इस वक्त, कपड़े कहाँ हैं फैसल, कपड़े कहाँ, कपड़े जो मेरे हैं वो रेडी हो गए हैं, थैंक यू सो मच। मेरा मेन ड्रेस ऑफ द इवेंट, रेड कार्पेट, एंड दिस इज प्रॉब्ली फॉर लेटर। यार इस पे तो बड़े बल पड़ेंगे, और ये फैसल का सूट, चले जी मेकअप को ख़त्म करते हैं, मैंने भी बाल भी बनाने हैं, और लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल, हमारे टर्की व्लॉग्स आप इंजॉय कर रहे हैं तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं, और सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम इसको नंबर वन जो है यूट्यूब फैमिली चैनल बना सकें। ये दो शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, कैमल ब्राउन एंड नाउ द डार्क ब्राउन। वेलर की मिंक लैशेज आर माय वेरी फेवरेट, और ये मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी की ग्लू भी मैं यूज़ कर रही हूँ, बट दे गिव अ नेचुरल ब्यूटिफुल ड्रामेटिक लुक। अब ब्राउन क्रीज पे देने के बाद आई एम गिविंग इट अ बगंडी लुक, थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट अगेन उसके लिए। डिफाइनिंग द जॉ लाइन विद सनी बनी, टू फेस्ड का बहुत ही अमेजिंग ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग पाउडर है, इसमें हाईलाइट भी होता है, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। Okay, getting my hair done now by Zain Opal. Yeah, hi. Zain Opal from Karachi. Yes. Acha Zain, idhar aao. Ji ji ji. सबसे बताओ मेकअप कैसा? मेकअप बहुत जबरदस्त लगता है, मैं आपसे पूछने लगी थी आपने किससे कराया है? खुद ही, जबरदस्त। हाँ, और इस ट्यूटोरियल में आप देख भी सकते हैं कैसा मेकअप किया है, मैं जरूर देखूंगी। लेकिन जस्ट लुक एट द शेड्स यार, नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली ब्लेंडेड। और लैशेस कितनी मजे की हैं, आपका जो फेस लग रहा है ना, दैट इज वेरी नाइस। चलो जी, ज़ैन ने पास कर दिया, काशी ने भी पास कर दिया, तो अब और क्या रह गया।
फुल रेट्रो स्टाइल ऑफ कर्व्स मैं आपको देती हूँ, जो फ्रंट से आपको इस तरह ब्लॉन्ड करके ले आएगा। आपकी जो अरेबिक आईज भी हुई है ना, उस लिहाज से बड़ा खूबसूरत लगेगा। अरेबिक म्यूजिक लगाओ। एक्सटेंशन चाह रहे हैं ना? हाँ, बॉडी एंड लेंथ। यस, मैंने लंबी लेंथ के लिए। अच्छा, शो यू माय एक्सटेंशन, दीज आर माय एक्सटेंशंस। इसको अभी स्ट्रेट आयरन करोगे क्या करोगे? मैं कर्ल्स में ही लेकर जाऊंगी इसको, क्योंकि आपको कर्ल्स ही चाहिए ना। मैं आपको लगा कर और फिर एक साथ सब पूरे बाल को कर्ल करूंगी, ताकि आपका ओरिजिनल और एक्सटेंशन मर्जन हो जाए। एग्जैक्ट उन्होंने कलर सही नहीं किया, कलर तो कलर मुझे हल्का सा पता नहीं क्या आश करना। तो मैं नीचे नीचे लगा दूँ, ऊपर आपका बाल रखूंगी ताकि नीचे से मिक्स हो जाए, जहाँ लाइट पड़ेंगे वहाँ रिफ्लेक्शन। होपफुली ठीक है ना? होपफुली इसको मैं दोबारा कलर कराना है, अब टाइम नहीं है। आई हैव टू मर्ज दिस। आपको मिलाती हूँ जी हाँ। और अब्दुल्ला जो है, इन्होंने हमारा टूर सारा संभाला, राइट फ्रॉम कराची, वीजाज एंड पिकअप, हर चीजें, टूर सारा जो है अब्दुल्ला ने हमारा जो है संभाला है। बेस्ट एक्सपीरियंस, थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। और अभी मेरे भाई बन गए हैं, ये कहते हैं तो है ही हमारी फैमिली है, अभी हमारी फैमिली है। वहाँ वंडरफुल डांसेस आई मस्ट से। हाँ
मैंने लटका दिया अल्लाह के हवाले, मैं तो ऊपर ही, आई लॉक माई बैग बट माई क्लोथ आर हैंगिंग, गए तो गए, क्या करें, खड़ी रहो तुम, मुझे कुछ पता नहीं, तो बहुत प्यारी लग रही हो, बस मुझे ये पता ईशल और पतली होगी। ईशल तुम्हारा वेट कितना है? 54 हाइट, 5'7" में 54 बहुत ज्यादा कम है। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, राइजिंग स्टार में नॉमिनेटेड है। ऑल द बेस्ट टू यू ईशल। कौन सब यहाँ देखें बैक स्टेज रिहर्सल कर रहे हैं? तुमने मेरे साथ रिहर्सल नहीं की? हमारा सेगमेंट ही नहीं, आई थॉट आई एम ओपनिंग द शो, एंडिंग द शो। क्या हुआ? क्या सिर्फ हमारे, क्या हुआ, क्यों सफर, आई ओके, मेडिसिन है? आई देखिए ना, अब ये देखिए ना, आर्टिस्ट से कितना मुश्किल काम है, बीमार है, कुछ है, काम कर रहे हैं, चेक करें, नो ब्रेक, आर्टिस्ट से कोई ब्रेक नहीं। और ये देखिए यहाँ अदनान सिद्दीकी, देखिए कौन है मेरे साथ, पीछे देखो, पीछे पीछे कौन है, पीछे है सोनिया हुसैन, द गॉर्जियस। हाँ पाकीज़ा, पाकीज़ा, पाकीज़ा वाकई खराब हो गई है, अब तो बहुत ही बोल्ड हो गई भाई, बहुत ही बोल्ड हो गई है, चक्कर चेक करो, हद हो गई है इसको, सारे लॉन के कमर्शियल कर रही है पाकीज़ा, क्या मतलब ये कोई तरीका हुआ भला पाकीज़ा, सारे लॉन के कमर्शियल तुम कर रही हो लड़की, क्या हो गया? वैसे देखा जाए बड़ी आपा भी वैसे आउट हो गई है काफी, बड़ी आपा भी ना, ये देखें ड्रेस पहन के आई साथ में अतीका उडू, लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज। हमने एक्ट की बातें करनी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, कभी हमने करेंगे सीरियस उस पे, जबरदस्त के एक्ट कितना मजे का काम कर रहे हैं। हाँ कब, मैं तो मतीरा से मिल लिया, मैंने एंजॉय कर लिया, ये भी सही है, पानी की बोतल। सोनिया पूछ रही है पावर बैंक, पता है मैंने वो वीडियो देखी, उसमें फट गया ना बैग में लड़की के, दुबई दुबई मॉल में फट गया, हाँ पावर बैंक फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, लिथियम बैटरी कभी भी फट सकती है, आपको नहीं हैंड कैरी भी नहीं लेने करने देते अब तो, ये मैंने अभी कराए हैं एल्फी से ऊपर, एल्फी पार्लर, एल्फी सैलॉन, अब माई सेल्फ, और फिर भी मेरा सैलॉन नहीं है, कहते शर्म की बात, कर लो ना। हाँ काशी ने कहा खोल के देगा मुझे सैलॉन, काशी ने वादा कर दिया। इकरा के साथ गपशप ना हो, मम्मी कैसी हो मम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अब तुम मम्मी रिटर्न्स, मम्मी रिटर्न्स हो गई जी, मम्मी रिटर्न्स, मम्मी हैज रिटर्न्ड, मम्मी ही रिटर्न्स हो गया। तो कैसा लग रहा है ये नया फेज लाइफ, माशाल्लाह बेबी के साथ रात को नींदें नहीं हो रही? आई एम लविंग इट, इट्स ऑल वर्थ इट। नींदें नहीं पूरी होती ना तो अगले दिन आप फिर भी जागे हुए होते हो, और आपको होता है यार, आपको पता भी नहीं चलता, याद भी नहीं रहता, आपको तो पता ही होगा। नहीं मुझे, हाँ मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह, मतलब कुछ तंग भी हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन यू हैव हेल्प माशाल्लाह, यहाँ से जरूर हेल्प करते होंगे ना, और मेरी अम्मी साथ है सबसे बड़ी बात, ब्यूटीफुल, तो मेरी अम्मी और क्या चाहिए, यहाँ से साथ है तो इन्जॉय करिए। और ड्रामाज वापस कब से? Have you started shooting? I have started shooting, but only the photo shoots and ads, जो एक दो दिन के टाइम के होते हैं, बाकी dramas I'm gonna take a little gap. I want to give time कभी। अच्छा तो कल अल्लाह माफी। सेट पे बेबी को लेके जाओगी? नहीं। हाँ? 12 घंटे की shift? अभी नहीं। 12 घंटे की शिफ्ट होगी, हाँ आके चक्कर लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो रुकने का सीन है, उसको रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट इकरा जो है, आज किसके लिए नॉमिनेटेड हो तुम? रांझा रांझा के, तो वैसे मेरा इतना फेवरेट ड्रामा है, अवार्ड मिल गया, पता मिल गया, हो गया, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, ये जो आपका प्यार है ना ये अवार्ड है, इसको कोई नहीं बीट कर सकता ऑनेस्टली। तो इकरा का तो अवार्ड हो गया, द अवार्ड इज फॉर द बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर, सॉरी आई मेरे नेल से काम नहीं हो रहा। देखिए सब रिहर्सल कर रहे हैं क्योंकि ये टेंशन वाला काम है, क्या करें, मैं खुद अपनी लाइंस देख के बैठी हुई हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, क्या क्या बोलना है, क्या करना है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी
बहुत सारी चीज़ें एंड होस्टिंग जो लोग नहीं कर रहे वो एक्चुअली ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं अवार्ड्स को, हम नहीं. कैसे हो ये अमेजिंग फिरोज खान? थैंक यू. नाम भी काफ़ी है. कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मेरी बेटी अलीज़ा इसकी इतनी बड़ी फ़ैन है और वो अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा उसको ये था कि मैंने फिरोज से मिला. क्या बात है. एंड वी मेट दिस मॉर्निंग एट द ब्रेकफास्ट टेबल. अच्छा, व्हाट आर यू डूइंग एट द आईआईटी अवार्ड्स? क्या हो रहा है? I'm hosting for the first time, so the eighth segment I'm waiting because that's going to be at the end. That's that, and I won an award. So thanks to everyone who voted. Thank you very much. अच्छा, मुझे बताओ फिरोज, why are the girls so crazy after you and in love with you? क्या क्या, what do you do to the girls? It's just blessing, honestly. It's just their love. It's just their love. It's just them. And you know, you make a lot of male actors insecure. Do I? Yes. They don't like you. I'm not a very likable person. But I think that's also important. I mean, you know, competition is important. It makes you want to do more, put in more effort, and bring out the best version of you. And do you have friends in showbiz, Vasin? You mingle, party, friends, ghumna, pinna? No, I don't mingle, but I interact with my colleagues. I love to spend time with them and get to know as much as I can be there for them. Jitni schedule tumhari jitni female friends hain unko keh do subscribe to Outstyle. Main kal 2 million cross kar jaungi. Aap kal kar jayenge inshaallah. Subscribe to Outstyle. Yeah, because Firoz is saying that. To karna padega. Thank you. Almost all of us.